जिम्मेदारी आएगी। आज सीएबी के नाम पर मुसलमान निशाने पर है, लेकिन रिजर्वेशन के नाम पर आज दलित और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब निशाने पर है। इनके यहाँ ये था कि गंगा दान होगा, जिसमें दलित का सबसे बड़ा जो शेड्यूल कास्ट आज कहे जाते हैं उनका सबसे बड़ा बेटा गंगा में दान किया जाएगा। इनके यहाँ ये था कि जब आप इमारत बनाएंगे तो एक सब शेड्यूल कास्ट के आदमी को उसने जिंदा 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 चुनेंगे। ये हमारे सामने ये दोबारा वापस लाना चाहते हैं, जिसकी कोशिश भी कर रहे हैं। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, जहाँ पर ये फिर से कास्ट सिस्टम को रिवाइव करना चाहते हैं। ये लड़ाई ज़्यादा बड़ी है, आपको समय सबके साथ करना पड़ेगा। और जब पाकिस्तान पर रहा था फाउंडेशन थ्योरी की बुनियाद पर, तो हम वहाँ नहीं गए और हमारे बुजुर्गों ने एक लड़ाई लड़ी, उसकी बुनियाद पर एक मुल्क में आईन बना जिस संविधान कहते हैं, और उस संविधान में लिखा गया कि हर एक के अख्तियार बराबर के होंगे, किसी के भी अख्तियार उसके मज़हब की बुनियाद पर, उसकी ज़ात और रंग की बुनियाद पर, उसकी पैदाइश की बुनियाद पर मुख्तलिफ नहीं होंगे, सबके एक से होंगे। इस आईन पे जो हमारा समझौता है उसकी बुनियाद पर हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने हैं, उस बुनियाद पर सिख इस मुल्क का हिस्सा बने हैं, आदिवासी इस मुल्क का हिस्सा बने हैं। हमारा जो बुनियादी समझौता है उसी को हम संविधान कहते हैं। अभी हमारे बुजुर्गों ने वो लड़ाई लड़ी और हम मुल्क के हिंदुस्तान में जो भारत है, जिसको भारत का नाम दिया गया, हम भारत के शहरी बने। एक वो लड़ाई थी जो 47 से पहले लड़ी गई और उस लड़ाई का नतीजा अच्छा नहीं मिला, क्योंकि जो ब्रह्मिकल फोर्सेस थी, जो कांग्रेस थी और जो ब्रह्मिकवादी लोग थे, वो इस मुल्क से मुसलमानों की आबादी को कम कर देने के लिए मुल्क को बंटवारा चाहते थे, जिससे कि उनके उनको बहुत आसान हो जाए कि वो यहाँ के इस मुल्क के OBC जो पिछड़े हैं और दलित हैं, आदिवासी हैं, उन पर हुकूमत करने के लिए उनको आसानी से फतेह हासिल हो जाए। बहरहाल वो अपने जराइम में अपनी काविशों में कामयाब हुए और उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, जिसका एक हिस्सा आज बांग्लादेश है। लेकिन उस वक्त ऐसी प्यारी नहीं थी, और आज मोदी और शाह को ये मालूम होना चाहिए कि अब SCPI का वजूद इस मुल्क में है और हम टू नेशन थ्योरी को दोबारा इस मुल्क में राइज नहीं होने देंगे। इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। और इसीलिए जब ये बात जब हिंदुस्तान की कैबिनेट ने ये पास किया कि वो CAB लाएंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक फुल बिल लाएंगे, हम उसी वक्त सड़क पे आ गए, हम पूरे मुल्क में सड़क पे आ गए। हमने इसी जगह पर अपना एहतजाज शुरू किया था। आज SCPI पूरे मुल्क में जगह जगह हर स्टेट में ये एहतजाज कर रही है और कह रही है कि अमित शाह और मोदी समझ लो इस बात को कि SCPI इस मुल्क में मौजूद है और वो कबूल नहीं करेगी दोबारा इस मुल्क में टू नेशन थ्योरी को, यानी कि मजहब की बुनियाद पर बंटवारा किया जाए और दो तरह के कौमों को बीमारी आएगी। आज CAB के नाम पर मुसलमान निशाने पर है, लेकिन रिजर्वेशन के नाम पर आज दलित और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब निशाने पर है। इनका खेल बड़ा है, इंसानों को ग्रोह में बांटना और अलग अलग तरह से जातियाँ करके उनके साथ जातियाँ बढ़ाते चले जाना। हम इस बात को बताना चाहते हैं कि ये जो बात करते हैं वो सीधा अटैक मुसलमानों पे नहीं है, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि 14 के तहत हर सिटीजन इस मुल्क का हर नागरिक बराबर का होगा और उसके खिलाफ किसी भी बुनियाद पर, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो किसी तरह का जात हो, मजहब हो या रंग हो, कोई भी अलग डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन आज मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है, मुसलमानों पे अटैक दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। इस तरह के अटैक जारी है। आप जानते हैं मुसलमानों को अलग तरह करने के लिए सारी कुबत इस सरकार की लगी हुई है कि किस तरह से मुसलमानों को शैतानों की रंग में भिड़ के सामने पेश किया जाए। इसलिए एक के बाद एक इश्यू उठाते हैं। अभी बाबरी मस्जिद का केस खत्म हुआ तो अभी नजर लोगों की जाने लगी कि इस मुल्क की इकोनॉमी को क्या हो रहा है, इस
मुल्क के एम्प्लॉयमेंट को क्या हो रहा है, इस मुल्क की इकोनॉमी डूब रही है, सब जगह से ये खबर आ गई है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4.5 पे है। सरकारी आंकड़ों का छोड़ो, जो इस मुल्क में माहिरीन है, जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं अभी जो GDP है वो 2% भी नहीं बची है। दूसरी तरफ सारी दुनिया का अटैक इनके ऊपर है। अब कल को इनके खिलाफ जा रहा है, अमरीका की सीनेट के खिलाफ जा रही है, पूरी दुनिया में एक रायामा बन रही है कि ये जो जिस तरह से शिद्दत पसंदी से आतंकवाद से काम ले रहे हैं, उससे इनकी बदनामी हो रही है। तो मुल्क के लोगों तक ये खबर ना पहुंच जाए, इसलिए ये नए नए शगुफे करते हैं। अगर इनको करना था, और यही इतने हमदर्द थे जो रिफ्यूजीज यहाँ आए हुए थे, ये रिफ्यूजीज को इनफिल्ट्रेटर कहते हैं, ये घुसपैठिए कहते हैं, उनको भगाने की बात करते हैं, ये कहते हैं कि 40 लाख घुसपैठिए इस मुल्क पे घुस आए। उसके बाद जब 19 लाख घुसपैठिए आ गए और इनकी खलाई खुल गई, इनका पर्दाफाश हो गया, और जब ये मालूम हो गया कि उन 19 लाख में 12 लाख लोग जो इनको ये घुसपैठिए कहते हैं वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू हैं, तो फिर ये एक नई तरकीब चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें मुल्क को बेवकूफ़ बना के रखना है। अगर इनके दिल में कोई भी ईमानदारी होती तो आपको मालूम है कि 2 से 3 करोड़ लोग जो मुटुआ कहे जाते हैं, जिनको इस वायदे के साथ हिंदुस्तान में इस पाकिस्तान से लाया गया था कि हम आपको पूरी शहरियत देंगे, लेकिन पिछले 70 सालों में किसी भी हुकूमत ने उनको शरीयत नहीं दी। मोदी गए उनके दरमियान दुर्गापुर में, वहाँ पर महासम्मेलन किया, जो मुटुआ महासम्मेलन किया, और जो उनकी सबसे बड़ी बुजुर्ग हैं बोरो माँ, उनसे उनके घर मिलने गए, 6 साल हो गए हैं, उनको 70 साल से मुल्क में रह रहे हैं। अगर ये उनके हमदर्द होते तो अब तक इन्होंने उनको शहरियत नागरिकता दे दी होती, उन्होंने उनको नागरिकता नहीं दी। और ये काम जब ममता बनर्जी ने बंगाल में शुरू किया तो कितना धमकियां दे रहा है इनका दिलीप घोष, जो BJP का प्रेसिडेंट है और मेंबर पार्लियामेंट भी है, वो कहता है, धमकी देता है, कहता है कि हम इनको खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ममता बनर्जी वहाँ पर जो रिफ्यूजीज हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको कैसे ज़मीनें दे रही हैं, उनको किस तरह से रेगुलाइज कर रही हैं उनके हकूक को। तो अगर ये दुश्मन नहीं है, दोस्त होते, तो ये ममता बनर्जी का साथ देते, क्योंकि ममता बनर्जी उन लोगों को राहत देने का काम कर रही हैं। असल में इनका सिर्फ और सिर्फ जो इनकी मंशा है वो इस मुल्क में बंटवारा करना है, टू नेशन थ्योरी को लादना है। आप जानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, असल में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हिंदू का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र का क्या कॉन्सेप्ट होगा? इस मुल्क में कभी भी कोई हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये अपनी साजिशों में कामयाब हो गए तो यहाँ पर ज़रूर ब्रह्मीन राष्ट्र हो सकता है, और ब्रह्मीन राष्ट्र मनुस्मृति की बुनियाद पर चलेगा, जहाँ पर 3 से 5% और 10% लोग हुकूमत करेंगे, बाकी सब गुलाम होंगे। इस मुल्क के OBC गुलाम होंगे, इस मुल्क के दलित गुलाम होंगे, ये गुलामी का एक तरीका है, और अगर किसी को इसमें शक है तो वो देख ले। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ब्रह्मीन राष्ट्र कायम की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो कायम नहीं हो सकता, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हिंदू का कोई कॉन्सेप्ट होता तो फिर वो हमारे दलित भाई जिनको ये कत्ल कर देते हैं लेकिन मंदिर में नहीं जाने देते, अगर हिंदू राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट होता तो वो औरतें जो सबरीमाला के दरवाजे पे धक्का देके निकाल दी जाती हैं वो नहीं शामिल होती। यानी जो हिंदू राष्ट्र होगा वहाँ पर, और वहाँ पर सिर्फ ब्रह्मीन, और वो ब्रह्मीन जो इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं वो होंगे। हिंदू राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, वो गैर इंसानी है, वो ह्यूमन नहीं है, वो किसी तरह से इंसान परस्त नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप साफ कहिए कि आप इस मुल्क में ब्रह्मीन राष्ट्र कायम करना चाहते हैं, और फिर हम लड़ाई लड़े, और हमारे साथ जो इक्वली सफर कर रहे हैं वो साथ आएंगे और लड़ेंगे। लेकिन इनकी एक साजिश है कि पहले मुसलमानों को अलग कर दो, किसी पॉइंट पे दलितों को अलग कर दो, और आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीन लो, उनके माइंस और मिनरल छीन लो, और उनको खाली कर दो, और इस तरह से मुल्क को आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले की पोजीशन में पहुंचा दो, और फिर नेहरू जी की लीगेसी को ख़त्म करके एक नए राष्ट्र का ऐलान करो, जिसका मॉडल पेशवा का राज है, जो पूना में था, आखिरी ब्रह्मीन राज
रेशमा का था जो पूना में था, और अगर आपको समझना है तो वहाँ की हिस्ट्री समझ लीजिए। इंसानियत नाम की कोई चीज़ प्रेमिकल के राज में नहीं हो सकती, क्योंकि उनको सिर्फ आता है लोगों को गुलाम बनाना, गैर इंसानी हरकतें करना। अगर देखा जाए आप वो 40 कानून पढ़ लीजिए जो अंग्रेजों ने स्कूल के बनाए, जिसमें यह था कि प्रेमिन के घर में हर नई शादीशुदा औरत जाएगी और 3 दिन के बाद उसको छोड़ा जाएगा, वो प्रेमिन के पास रहेगी, जिसको अंग्रेजों ने कानून बना के ख़त्म किया। इनके यहाँ ये था कि गंगा दान होगा, जिसमें दलित का सबसे बड़ा जो शिव का सात कहे जाते हैं उनका सबसे बड़ा बेटा गंगा में दान किया जाएगा। इनके यहाँ ये था कि जब आप इमारत बनाएंगे तो एक सब शेड्यूल कास्ट के आदमी को उसने जिंदा चुनेंगे। ये हमारे सामने ये दोबारा वापस लाना चाहते हैं, जिसकी कोशिश भी कर रहे हैं। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, जहाँ पर ये फिर से कास्ट सिस्टम को रिवाइव करना चाहते हैं। ये लड़ाई ज़्यादा बड़ी है, आपको समय सबके साथ करना पड़ेगा। SDPI का साफ ऐलान है कि SDPI मुसलमानों की कायम करता पार्टी है, लेकिन ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, जैसा कि अभी हमारा साथी नारा लगा रहा था, जिसके ऊपर भी जुल्म है, जो भी मजलूम है SDPI उसके साथ खड़ी है। ये मुसलमानों की अकेली बात नहीं है, ये इस मुल्क की वकार की, इज्जत की, खुशहाली की बात है। हम लड़ेंगे, हम CAB को टू नेशन थ्योरी का रिवाइवल मानते हैं, उसके खिलाफ लड़ेंगे। आज पूरे मुल्क में लड़ रहे हैं, हमारा आज अलामती है, झगड़ा हो रहा है। आज हमारा जो शो है वो सांकेतिक है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे मुल्क के लोगों के साथ खड़े होंगे। हम आसाम के साथ खड़े हैं, हम नॉर्थ ईस्ट के साथ खड़े हैं, हम बहुत ज़ोरदार आवाज़ में कहना चाहते हैं कि हम इन आसाम के उन लोगों के साथ हैं जो आसाम को बंद किए हुए हैं। तो आपसे फिर से कहते हैं कि मोदी, अगर इस मुल्क का भला चाहते हो, और वैसे तो आप भले नहीं हैं क्योंकि आप साजिश के तहत से आए हैं, आप मोरा हैं टू नेशन थ्योरी के, आप साबरकर के सिपाही हैं, आप गोलबंकर के सिपाही हैं जो ये कहता है कि मुसलमानों को इंटरनल दुश्मन मानता है, अंदरूनी दुश्मन मानता है। आपकी जहन साफ नहीं है, आपकी नज़र साफ नहीं है, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आपको मालूम भी नहीं है कि इस मुल्क की सकाफत क्या है, इस मुल्क का कल्चर क्या है, इस मुल्क की इतिहास क्या है। हम उसके अलमबरदार हैं। SDPI इस मुल्क में मौजूद है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी कुर्बानियाँ जो इस मुल्क को बचाने में, खुशहाली लाने में देना पड़ेंगी, इस आप SDPI के जीवा जियाने मेंबरान सबसे आगे आएंगे, अपनी गर्दनें कटाएँ कट पाएंगे, इस मुल्क के लिए लड़ेंगे, इस मुल्क के लिए जियेंगे और इस मुल्क के लिए मरेंगे। शुक्रिया। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।